स्कूल हैं पर शिक्षक नहीं, बिल्डिंग हैं पर बच्चे नहीं। नतीजा ये हो रहा है कि 7 साल से बनी हुई स्कूल की बिल्डिंग बर्बाद हो रही है। इलाके के लोग हैरान हैं कि आखिर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए तो फिर इस स्कूल को शुरू क्यों नहीं किया गया। मनिहारी प्रखंड के नवाबगंज पंचायत में नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय के सामने बना है ये स्कूल। लोगों का कहना है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए इस मॉडल स्कूल की व्यवस्था की गई थी, और इकलौता नहीं बल्कि कटिहार जिले के कई प्रखंडों में इस तरह के मॉडल स्कूल के भव्य भवन बनाए गए। दरअसल मॉडल स्कूल की ये योजना केंद्र सरकार की थी। मोदी सरकार के पहले यूपीए के कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हर प्रखंड के लिए की गई थी, जिसके अंतर्गत एक मॉडल स्कूल बनाया जाना था और उसमें 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाया जाना था। बच्चों का चयन 9वीं कक्षा में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होना था, ताकि प्रखंड स्तर पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पढ़ाई का एक नया ट्रैक मिल सके। इरादा नेक था, शुरुआत भी बिल्कुल ठीक हुई। भव्य भवन के निर्माण को देखकर इलाके के लोगों को अपने बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य के सपने दिखाई भी दिए। लेकिन अफसोस, भवन बनने के बाद सिर्फ भवन ही रह गया। ना तो किसी तरह की कोई प्रतियोगी परीक्षा हुई, ना कोई शिक्षक आया और ना ही कोई बच्चा इस स्कूल में दाखिला ले पाया। ये मॉडल स्कूल नवाबगंज के नाम से ये जो है बहुमंजिला इमारत बना हुआ है 2013 से ही, और ये नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय नवाबगंज से सटे उससे टेक एक मॉडल स्कूल का निर्माण हुआ था। और सरकार का उद्देश्य था कि इसमें जो भी मेघावी छात्र हैं इस क्षेत्र के, उनको जो है उत्कृष्ट शिक्षा यहाँ मॉडल स्कूल में दिया जाए। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2013 से ही ये मॉडल स्कूल बन के तैयार है। बहुत विशाल भवन करोड़ों की लागत से बना हुआ है और बहुत सारे इसमें उपस्कर भी हैं, लाखों के लागत में उपस्कर भी हैं, लेकिन ये मॉडल स्कूल अभी तक यहाँ तैयार भी नहीं हुआ है। पूछो तो किसी को नहीं मालूम। जाहिर है 7 साल पहले की योजना बदलती हुई सरकारों के साथ बदली भले न हो, लेकिन क्रियान्वयन को लेकर लापरवाह जरूर होगी। वरना क्या कारण रहा होगा कि जो इतना शानदार स्कूल का भवन बच्चों और शिक्षकों की बाट जोहता नजर आ रहा है। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तब भी बिहार में नीतीश की सरकार थी और अब भी है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग पर बड़े बड़े दावे करते हैं, तो फिर ये मॉडल स्कूल क्यों इस हाल में पड़ा हुआ है? इसके शुरू होने और ना होने में कौन सी राजनीति आड़े आ रही है? देखा जाए तो ये सीधे तौर पर विभाग की लापरवाही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद से स्थानीय लोगों ने मॉडल स्कूल जल्द से जल्द चालू कराने की मांग की है। साथ ही स्थानीय नेताओं से भी इस दिशा में आगे आने और कटिहार की जनता की मांग को पूरा करने की गुजारिश की है। ये जो मॉडर्न स्कूल एक बना था, ये लगभग 5 वर्ष पहले यहाँ कंप्लीट हुआ था। तभी शायद हम लोग मैट्रिक के में थे, तो हम लोग को लगा कुछ यहाँ बढ़िया बनने जा रहा है, यहाँ जो है शिक्षा यहाँ पे कोई बढ़िया स्टेट पे मिलेगा। लेकिन यहाँ 5 साल हो गया और यहाँ कई करोड़ों से ये बना हुआ बिल्डिंग, और यहाँ अभी तक कोई ऐसा शिक्षा यहाँ पे नहीं, खाली बिल्कुल पड़ा हुआ है और यहाँ पे इसमें कोई यूज़ नहीं हो रहा है सरकार का। और ये इतना लागत लगा के और यहाँ पे जो तिथि जो दिया हुआ वो तक यहाँ पे मिट चुका है। आपको वहाँ पे देख चुके होंगे आप लोग भी। गांव के लोगों को डर है कि अगर वक्त रहते इस स्कूल का शुभारंभ नहीं किया गया तो ये स्कूल ना सिर्फ खंडहर बन जाएगा बल्कि चोर उचक्कों की अय्याशी का अड्डा भी बन जाएगा। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।